अरे पापा, हाँ मैं युवा नेता मोर्चा की सभा में जा रहा हूँ। जा तो रहा है, कोई ऐसा वैसा काम मत करना वहाँ, ये तो फिर तूने मेरा गुस्सा तो देखा ही है। अरे पापा आप उसकी टेंशन मत लो, मैं कोई ऐसा ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे आपको गुस्सा है। जा। भाई साहब मैं केरिया की, आपके बेटे ने तो आज युवा नेता मोर्चा की सभा में आग लगा दी। आग? क्या बोला बे? भाई साहब आग लगा दी आग। इसको मैंने मना करा था कि ऐसा वैसा काम मत करना, मैं अब इसकी केयर। अबे क्या हुआ इनको, कुछ गलत अलत नहीं समझ बैठे? यार अपने युवा नेता क्या मस्त भाषण देते, क्यों? अबे हाँ यार भाई मजा ही आ गया मोर्चा में, मतलब बहुत अच्छा। अरे 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 नेताजी नेताजी, वाह नेताजी क्या भाषण दिया युवा नेता मोर्चा में, मजा ही आ गया, क्यों? मेरा तो दिल खुश हो गया नेताजी। हाँ वो बात तो सही है, पर इस देश से भ्रष्टाचार मिटाने के लिए हम आपको आगे आना पड़ेगा, और हम आपके आगे आने पर। अरे आग लगा दी का मतलब तहलका मचा दिया, तहलका। कैसे बाप हो? अरे कैसा तहलका मचा दिया? अरे तहलका मचा दिया इसका मतलब कि इसने ऐसा भाषण दिया कि युवा नेताओं के दिलों में आग लगा दी आग, और साले मारने पहुंच गए। यार तो पहले बताना चाहिए ना कि अच्छा काम करा उसने। हाँ आप उसको घर लेके जाओ। चल बेटा चल बेटा चल। अरे पापा वो मैं किरिया आज गाड़ी दे दो। गाड़ी काम में लगा तुझे गाड़ी? अरे वो कॉलेज जाना है पापा, असाइनमेंट वगैरह जमा करना है। अच्छा अच्छा गाड़ी तो ले आ रहा है, लेकिन उतार में एक बूंद भी एक्स्ट्रा पेट्रोल नहीं जलने चाहिए, गाड़ी की चाबी तुरंत बंद कर लेना। ठीक है? ठीक है पापा, एक बूंद भी नहीं जलने दूंगा, बंद कर लूंगा, पर मुझे आपका मोबाइल भी लगेगा। ठीक है मोबाइल तो तू ले ले, लेकिन फोन किसी को मिला मत लेना, सिर्फ मिस कॉल देकर काम चलाना, ठीक है? क्योंकि 49 बार रिचार्ज डला है, इसको पूरा महीने बाद चलाना तुझे। ठीक है पापा, बस मिस कॉल ही मारूंगा। ये लो। ठीक है। सनोडिया जी, ओ सनोडिया जी, ला सनोडिया जी भीख दे दो। अरे हो कौन भाई तुम, ऐसे हमारे नाम लेके भीख मांग रहे हो यार? हमें नहीं जानते। अरे हम तुम्हारे पड़ोसी शर्मा जी के लौंडे। शर्मा जी के लौंडे? हाँ? तुम तो हमारे बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत हुआ करते थे यार। हमारे बच्चे जब भी कुछ भी गलत काम करते थे तो हम उनको बोलते थे शर्मा जी के लौंडे इसको सीखो। अब तुम ऐसा काम कर रहे हो, अब तुमसे क्या प्रेरणा मिलेगी उनको भीख मांगने की? देखो यार सनोडिया जी, तुम ज्यादा देखो ध्यान मत पेलो, है ना? हम तुमसे भीख मांगना है तो चुपचाप तुम भीख दे दो। अरे मैं क्यों यार तुमको भीख, मैं तो खुद तुमसे ज्यादा गरीब हूँ। कैसी बात कर रहे हो तुम सनोडी जी, तुम हमसे ज्यादा गरीब कैसे होगा? हैं तुम्हारे पास खुद का मकान है, खुद की गाड़ी है, खुद का मोबाइल है, हैं खुद की लुगाई है, और खुद का बच्चा भी है, कैसे गरीब होगा तुम? अरे मकान है तो क्या हुआ, मकान है लेकिन उसमें बिजली नहीं है, गाड़ी में डलाने के लिए तेल नहीं है, मोबाइल है लेकिन उसमें बैलेंस नहीं है, और बीवी है तो उसमें अकल नहीं है, और बच्चा तो साला एकदम निकम्मा है। देखा कितने गरीब हैं हम, और तो कुछ नहीं है हमारे पास, पता है हैंड वॉश भी रखा है लेकिन हम उसको यूज नहीं करते, लॉकडाउन के पहले का लाकर रखा है और अभी तक चल रहा है। अब बताओ हमसे ज्यादा है कोई गरीब है? तुम्हारे पास इतने कटोरे में पैसे है ना, और तो तुम्हारे घर में पैसे नहीं है। सही में सनोडिया जी, आपसे ज्यादा गरीब कोई हो ही नहीं सकता, और मेरी सलाह मानो ना तो आप भी भीख मांग करो, घर में थोड़े बहुत पैसे आएंगे। अब निकल जा सुतरी के, अब तो बोल दिया दोबारा ऐसा मत बोलिए, हम सनोडिया ऐसे वैसे काम नहीं करते। मत मानो हमारी सलाह, हमें क्या करना, और गरीब होते जाओ।
हेलो भाई साहब, मुन्नी भाई के खेत के बगल में आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी आ जाइए। क्या बात कर रहे हैं, रुको रुको मैं अभी आ दूं। बेटे बस थोड़ी देर, बेटे थोड़ी देर रुक जा, तेरे पिताजी आते होंगे अभी, आके अस्पताल ले जाएंगे तेरे को, तू जा थोड़ी देर, बस थोड़ी देर इंतजार कर ले, हमने फोन लगा दिया तेरे पिताजी को, है ना। कहां है, कहां कहां है तू, यहां पड़ा मेरी गाड़ी कहां है। अरे गाड़ी कुछ हो तो नहीं, अरे मेरी गाड़ी तोड़ दी। साले नए के नए वॉल तोड़ दिया, अभी तो दिला था 10,000 रुपए का। अरे इधर तुम्हारा बेटा दर्द से करा रहा है, उसको देखने की जगह तुम्हें मोबाइल और गाड़ी की पड़ी। तुम्हारा बेटा मरमदा गया तो उसकी चिंता नहीं है तुम्हें? हाँ हमें ज्ञान फैल रहा, इसका तो क्या, लड़का तो दूसरा पैदा कर लूंगा, अभी मोबाइल और गाड़ी तोड़ दिया, इसका हर्जाना कौन देगा, इसका बाप वो तो मैं ही हूँ, मैं क्यों दूँ। कैसा बाप है ये? हाँ यार, लड़के को छोड़ के गाड़ी और मोबाइल देख रहा। हाँ चलो अपन ही ले चले, चल बेटे तेरे को हम ही ले जाते अस्पताल, चल आज। भीम सिंह क्या काम है बाबूलाल? काम वाम तो कहीं है नहीं, पर हमारे बेटे विदेश से आते हैं तो ये से बिस्किट लाते हैं। काम वाम तो कहीं है नहीं, पर हमारे बेटे विदेश से आते हैं तो ये से बिस्किट लाते हैं, तो ये से बिस्किट लाते हैं, तो ये से बिस्किट लाते हैं। लगा रहा मैं अपने बेटे को फोन कि बिना बिस्कुट ले आ मत जाना यहाँ। हाथ लगा ले, रात जगा ले। हाँ बेटे कैसे हो और कहाँ हो? अरे हाँ पापा, पहले तो हम मुन्नी भाई के खेत में 10-10 रुपए में धोती, पर आज हम दुबई में बुर्ज खलीफा के सामने खड़ी होती। अच्छा, तो बेटे कब तक आ रहा है घर? हाँ पापा, हम आज शाम को ही बैग भरती और शाम की फ्लाइट से निकलती और कल सुबह ही अपने घर पहुँचती। अच्छा, वो तो ठीक है, लेकिन बिना बिस्कुट लिए आ मत जाइयो घर। अरे पापा, पहले तो हम 10-10 रुपए में धोती, पर अब दुबई में हमारा बहुत इनकम होती, अब हम तुम्हारे लिए 5 वाला नहीं 125 वाला पार्ले जी का पैकेट लाती। हाँ ठीक है। पापा, आपने अभी तक गेट क्यों नहीं खोली होती, हम बाहर खड़ी होती, अब जल्दी से गेट खोलती। अरे हाँ बेटे, आ गया तू। अरे हाँ पापा, हम आ गई होती, पर बिस्कुट तो दिख नहीं रहे तेरे पास। अरे पापा, हम ध्यान से तो बिस्किट लाई होती, पर वो तो हम एरोप्लेन में ही भूल गई होती। पर आप निराश नहीं होती, क्योंकि हम अगली बार दुबई से आती तो तुम्हारे लिए सोने के बिस्किट लेके आती। निकल यहाँ से, निकल। Oh, shit. अरे हम बिना बिस्कुट लिए हमारा रिश्तेदार अन का भी नहीं आना देता है। What? तू तो हमारी औलाद छे, निकल। तुम कैसे बाप होती, बिस्किट के खातिर अपने बेटे को घर से निकालती, ऐसे बाप पे तो लानत होती। हम भी घर छोड़ के जाती।
हूँ तुम्हें मिलने का मौका, इसी का फायदा उठा के दे मत देना मुझे धोखा। अरे मेरी जान, आंखों में तेरे सपने, नींदों में तेरे ख्वाब हैं, एक बार झांक के देख मेरे दिल में, मेरा दिल तो समुंदर से भी ज्यादा साफ है। अली मिली बापू, अब तुम यहाँ से जाने की तैयारी कर लो, क्योंकि मेरे पापा भी इसी गार्डन में आते हैं सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए। अब तुम जाओ। चल ठीक है, तो जा रही हूँ, पर डुकरे को बोल देना इधर मॉर्निंग वॉक करने ना आया करे। क्यूरी, क्या कर रही थी मेरे लौंडे के साथ? बेटे देख, लोंडी आवाजी छोड़ दे, इसमें तेरा बहुत बड़ा नुकसान है। पर पापा, मुझे वो बहुत पसंद है, मेरा ब्याह करा दो उससे। पर बेटा, अभी तेरी उम्र ही क्या है? इसमें क्या गलत कह रहा है तेरा बेटा, हो तो गई इसकी उम्र। बेटे तू जा, बाद में बात करते हैं अपन। हाँ तो श्याम लाल, अब बोल। अरे रामलाल, मेरी माँ ने तो उसका ब्याह करा दे, तो लड़की भी खूबसूरत है और उसमें दिक्कत भी किस बात की? दिक्कत ही तो इस बात की कि वो खूबसूरत है। हमसे इतने दिन से सेट है, हमने शादी ना करी, लोंडे की शादी करा दे हम। अरे रामलाल, कैसा बाप है तू, अपनी बहू से शादी करने की इच्छा रखता है? अरे हम तो जवानी से ही आशिक हैं, शायद इसको पता नहीं है जिससे इसकी शादी हुई थी, हम तो उसको ही भगा ले गए थे। पापा मुझे पैसे दे दो। पैसे? बेटा काहे में लग रहे हैं तुझे पैसे? अरे पापा तुम भी सटे आ गए हो, कल ही तो बताया था दोस्तों के साथ पिक्चर देखने जाना है। बेटे नाराज मत हो, देता हूँ तुझे पैसे। ले बेटा ले जा पैसे। पापा जल्दी से पैसे दे दो, वो मैंने मोबाइल ऑर्डर करा था ना, वो आ गया है, बाहर डिलीवरी बॉय खड़ा है। पर बेटे तूने पहले क्यों नहीं बताया, अभी तो मेरे पास पैसे ही नहीं है। अरे यार पापा, तुम्हारे पास पैसे रहते ही क्या, बस हर जगह नाप कटवाते रहते हो, अब बाहर डिलीवरी बॉय खड़ा उसको क्या बोलूं मैं, क्या हमारे पास पैसे नहीं है? बेटे तू चिंता मत कर, मैंने अपनी दवाई के लिए कुछ पैसे बचा रखे थे, मैं अभी तुझे वो दे देता हूँ। और दवाई ना मिलने की वजह से एक दिन मेरी मौत हो गई। पापा हम कहाँ चले गए, आपके जाने के बाद बड़ी आफत आ रही, छोटा भाई मांग रहा गाड़ी, छोटी बहन आईफोन को रो रही, अब मैं कहाँ जाऊँ, किसे अपना दर्द सुनाऊँ? बेटे बेटा मैं कब्र में गया, कोई अमेरिका नहीं गया जो यहाँ से भी तुम्हारी ख्वाहिशें पूरा करता रहूँ। पापा? हाँ बेटे, मेरे जिंदा रहते में तो तूने कभी कदर ना की मेरी, और एक मैं तुम्हारी हर ख्वाहिशें पूरी करने के लिए दिन रात बहाता पसीना, अब तू देख ले कितना मुश्किल होता है एक बाप के बिना जीना। मुझे माफ कर दे पापा, मैं आपको समझ नहीं पाया, अब बस वापस आ जा पापा। पापा 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 We'll be right back.
नमस्कार मित्र लोगों, काय हाल चाल छे मित्र लोगों। तो मित्र लोगों, आज सीएफ मेकर टीम को द्वारा जो वीडियो आयो काफी शानदार वीडियो छे और पहली बार हूँ सीएफ मेकर चैनल का ऊपर आया मित्र लोगों। तो मैंने जब इनका वीडियो देखा तो यह जो सीएफ मेकर की जो टीम छे काफी अच्छा वीडियो बनाई रही और बहुत अच्छा वीडियो छे और बहुत अच्छा काम करी रहा। तो मित्र लोगों, आज कहे कि मकब इनका चैनल का ऊपर आना को सौभाग्य प्राप्त हो तो काफी अच्छे लगे। तो मैंने भी थोड़ी सी कोशिश करी इनका जैसा काम करना की, क्योंकि इनको काम तो काफी अच्छो छे। तो सभी मार मित्र लोग और जितना मार फैन लोग सब्सक्राइबर लोग छे, सभी से निवेदन करूंगा कि एक बार सीएफ मेकर चैनल पर जाके वीडियो जरूर देखो तुम, और सभी का प्यार दे और सब्सक्राइब करो चैनल का मित्र लोगों। हेलो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपने वीडियो देख ली होती और वीडियो आपको पसंद आई होती। दोस्तों, आप इनको अगर नहीं जानती होती तो ये निमाड़ी राजा होती। इनका भी बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल होती, जिनके चैनल में जाती, वीडियो को लाइक करती, चैनल को सब्सक्राइब करती। अरे शेख साहब, अपना भी कर लो। तो दोस्तों, सीएफ मेकर को आप भूल तो नहीं जाती। सीएफ मेकर भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाती, सीएफ मेकर के चैनल में जाती, वीडियो को लाइक करती, चैनल को सब्सक्राइब करती और सीएफ मेकर को सपोर्ट करती। तो हम आपको अगले वीडियो में दूसरे गेटअप में फिर मिलती। कैमरामैन बंद करो।